संदीप जी हैं। संदीप जी एक बात बताइए, आप दो बहुत बहुजन समाज की बात करते हैं, 2019 के अंदर कैसे इलेक्शन लड़ेंगे बहुजन समाज और कैसे आप बनाएंगे बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री? देखिए आज जो है ना चरम पे है अम्बेडकरवाद जी, ठीक है। एक तरफ बाबा साहब है और एक तरफ गांधी है जी, एक तरफ मनुवादियों की औलाद है और एक तरफ बाबा साहब की औलाद है जी। और आज गली गली से आवाज आ रही है जी के बदल रहा है देश, बदल रहा है भाई, तुम भी बदलो ना। पूरे देश में जहाँ भी हमारे लोग हैं, जिसने भी बाबा साहब की फोटो भी देखी है ना, आज वो भी राजनीतिक रूप से तैयार है बहन कुमारी मायावती को। लेकिन एक और बात कहूँ मैं आपको, जितनी ये बात मजबूत होती जाएगी उतना ही जो विपक्ष में बैठे लोग हैं भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस बार। और कहीं ना कहीं अंदर सेटिंग हो गई है, ये जो प्रियंका गांधी का जो लॉन्च हुआ है ये आप इसे साधारण मत समझो, और ना आप कांग्रेस के भले के लिए हुआ, ये मोदी नहीं रुकना चाहिए, कांग्रेस की पूरी जो है ना तैयारी है। और कांग्रेस ने जो दूसरा चुनाव जीता था, मनमोहन सिंह जी बने थे, वो ईवीएम से ही आई थी और वो बात एक्सपोज हो गई थी, इसलिए मनमोहन सिंह को जो है ना प्रधानमंत्री दोबारा बनाना पड़ा था। और बीजेपी के प्रभाव में ये लोग रहे, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि 10 साल तुम रहो 10 साल हम रहे। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रियंका को बहन कुमारी मायावती को रोकने के लिए प्रियंका को आगे लाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी नहीं रुकती किसी पे। जो आदमी संघर्षों से आया हुआ हो ना, जो तेज लहरों से तूफानों से टकरा के आता है, वो मायावती है, वो काशीराम के बच्चे हैं। संदीप जी आप अपने स्टेटमेंटों में बहुत ज्यादा जगह बोलते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस आपस में गठबंधन कर सकते हैं, तो उसका क्या है वो? आप देखिए ना, ये दो पार्टियां कैसे हो सकती है भाई साहब, एक में दुरानी एक में जेठानी, एक में राहुल एक में वरुण, कहाँ है ये? कहाँ दो पार्टियां, एक ही परिवार की पार्टियां ये है ना। और जब इनका ये सत्ता खतरे में होगी, इनका मनुवाद खतरे में होगा, ये लोग मिल जाएंगे भाई, मिलेंगे ये दोनों। हाँ, और पहले भी जब बहन जी को एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को जब बनाया था इन लोगों ने, जब भी यही षड्यंत्र हुआ था, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग मिल गए थे और बहन जी को रोका गया था, इस बार भी इन लोगों ने। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार इतने बटन दबा दो हाथी में कि इनकी समझ में आ जाए कि हाथी का विकराल रूप कितना है और ये बहुजन समाज कितनी बड़ी संख्या में है, ये समझ में आ जाए मुझे।